जरखान का बंदा ने बनाया। ये बोलता है जरखान स्टाइल खिलाया मुझे चिकन, और चिकन बन रहा जरखान स्टाइल ना। स्वागत है दोस्तों फिर से सुबह सुबह और एक बार बितुल ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों अभी जाएंगे खेत पे लोकल ऑर्गेनिक सब्जी पहुंचाने के लिए, और ये भी जाएगा जिन्होंने लड़की बगा के लेकर आया हमारा घर पे। गुड मॉर्निंग, अभी फंस गए ना, पूरा वायरल हो जाओगे इंटरनेट पर, वायरल हो जाओगे तू। अच्छा होगा वायरल, हाँ लड़की बगा के लेकर आया ना। हाँ कलू का इन्वेस्टिगेशन करता है कल वहाँ। सो अभी चलेंगे तो बहन को वेट कर रहे, जाने के लिए तैयारी कर रही है। सो अभी यहाँ पर ये डालते हैं इंजन ऑयल, लेकिन ये छोटा वाला बड़ा वाला नहीं है, बड़ा वाला तो नमसा पे मिलेगा। लेकिन नमसा में जब भी हो डीलरशिप मतलब बंद रहता है, कोई फायदा नहीं। मैं वहाँ पर तीन बार जा चुका हूँ, मैं बिना मतलब पेट्रोल मतलब वेस्ट होते हैं, किसी काम का नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर लोकल दुकान में चेंज करना पड़ा इसमें, इस भाई साहब के दुकान में। हाँ लोकल में ना, लोकल इसमें लेके आए हैं ग्रीन वेजिटेबल, और यहाँ पर मामी जी कुकिंग कर रहा है। यहाँ पर तो रेसिपी के साथ कुकिंग कर रहा है चिकन, और यहाँ पर हुक्का किस रही है। एक तरफ से ये जहर होता है धुआं वाला ना, जहर ना ये। हाँ जहर है, नहीं पीना है हुक्का, लेकिन आदत है पीने का। तो अभी जाएंगे तो जंगली बतख का घोंसला देखने, किधर है वो इस तरफ, तो वहाँ जाने के बाद देखेंगे। बोलता है कि उसने बच्चा दिया और जंगली बतख हांस जस, मतलब हम लोग जाएंगे देखने के लिए। और मेरे साथ जाएगा ये चश्मा बाबू ना, बहुत ही लंबा है ये, लड़की भगा के लेके आया। नेक्स्ट टाइम किसको लेके आओ, और वापस लड़की को उसका घर पे पहुंचा देंगे। ओहो तो ये हमारा टेम्पररी घर, तो इसमें पिताजी दाल इसमें वो लगाया, दाल की खेती की, इसमें दाल इसमें गिरा दिया। इसके बाद चार पांच दिन का उग जाएंगे, तो यहाँ मौसम दाल कहते हैं यहाँ पर, और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। तो अभी उसका प्राइस यहाँ पर 50 रुपया 40 रुपया कुछ चलता है। और भाग गया, इसमें तो अंडा है, अंडा है ना, अंडा है, बच्चा भी नहीं है। फाइनली इसी में एक तो है बच्चा, कर रहा है। अरे भाई पूरा काफी हैंडसम है यार, सो बुढ़िया ने दी। सो दोस्तों यहाँ पर तो वो चिकनवा बन रहा है, तो घर और हम लोग घर पे जाएंगे, अभी घर पे भी खाएंगे हम लोग। रेडी चलो भाई साहब, मुझे हैंडसम हैंडसम चिकन पीस दीजिए। चिकन चिकन, हाँ लोकल तो नहीं है, यह ब्रॉयलर है, लेकिन बहुत ही हैंडसम है, इसका कलर कलरफुल चिकन है। हाँ गैस में चला के ना, तो गैस हमारे यहाँ पर चिकन 300 रुपया पर केजी है, तो आपके वहाँ पर बहुत ही सस्ता है हैंडसम हैंडसम पीस। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मीट भी हैंडसम होते हैं क्योंकि पूरा लाल है कलरफुल, इसलिए हल्दी लगाया क्या, हल्दी नहीं कलर है। हाँ तब तो हैंडसम है, तब पैसा निकलता है अभी। आज कलवा चिकन खाएगा। अभी पहुंच गया हम लोग, बहुत गर्मी भाई, 36 ऐसे कुछ चल रहा है अभी का टेम्परेचर। कुकिंग कर रहा है का तू? ये ले जाऊंगा चिकन वा, चलो देखते हैं क्या बनाया प्रियंका जी ने, क्या बनाता। मिक्सर, मिक्सर सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, लोकल वेजिटेबल, अरे बढ़िया। यहाँ पर चिकन रोस्टिंग हो रहा है, ये रोस्टिंग कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपर्ट है बोलता है, ये क्या तेरा फ्यूचर में प्लान है क्या चिकन काट कर बेचना। हाँ हाँ, इसलिए ना पूरा एक्सपर्ट बन गया। अरे अरे ये क्या मार का ये, अरे भाई समझ गया ना बंदा, समझ गया समझ गया। अरे भाई चिकन चल रहा पूरा खड़ा हो गया, अरे पूरा खला हो गया, देखा देख 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 देख, हाँ पूरा खला हो गया, हाँ पूरा खला हो गया, देखो पूरा सब खराब कर दिया। और यहाँ पर प्याज लहसुन मिर्ची इतना ज्यादा, और यहाँ पर मसाला खोद के रखी है प्रियंका डार्लिंग ने, बहुत गुस्सा लगता है। तो आज हम लोग किसके साथ खाएंगे वो चिकन, इसके साथ ना सदा खाएंगे इसे, तो जिससे चलेगा
और बहन तो चिकन इतना नहीं खाते हैं, बस थोड़ा खाते हैं टेस्टिंग के लिए, एक दो पीस हम लोग के खाएंगे। आज मैं इसका हाथों का बना हुआ नहीं खाऊंगा, इसी का खाऊंगा, क्योंकि ये जुर्माना है, तूने बाहर के देखा है हमारे घर में इसको ना। ये तो पूरा जल चुके हैं, काले हो गया। वाह वाह, इतना धूप में चिकन कटिंग कर रहे हो, गर्मी नहीं लगता है क्या तुझे? नहीं कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ साथ, वाह इतना हैंडसम हैंडसम चिकन ना, तेरा गाँव में मिलता है ऐसा हैंडसम चिकन? कहीं नहीं मिलेगा, मिलता है तो। तेरा गाँव में कितना है एक किलो चिकन? 260। 260, लेकिन हमारे यहाँ पर 300 मिलता है। तेरा गाँव पे मतलब तेरा गाँव का चिकन बहुत ही पतला होते हैं, ये वाला बहुत ही मोटा और हैंडसम होते हैं, इसलिए तेरा महंगा है ना। लोकल तो होगा 400 रुपये पर किलो, लेकिन लोकल नहीं खाता है, क्योंकि लोकल चिकन ना बहुत ही हड्डी होता है और पतला होता है, वो सिर्फ हड्डी को क्यों खरीदे, तो इससे बेहतर ब्रॉयलर करके खाए। लेकिन ब्रॉयलर इतना अच्छा नहीं है खाना, ये खाने से सब एस्ट्रोइड मरा हुआ है ना, इसलिए अवॉइड करना है ज़्यादातर, तो मैं खाता हूँ कभी कभी मैं। ए, कौन सी स्टाइल है? हाँ, बिना कपड़ा का खाना बना रहा तू, चिकन बना रहा, कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा नहीं लगा है। अरे भाई इतना गर्मी है, कौन कपड़ा लगाएगा? टेल दरा चिकन तो खा देंगे, लेकिन इसे मिर्ची बहुत डाला है, हालत खराब हो जाएगा। एक्सपीरियंस है तेरा मिर्ची खाने का? नहीं नहीं है, है? ओ, तो कंप्लेन मत करना सुबह। ए तेरा एक्सपीरियंस है मिर्ची खाने का? नहीं है। इसका तो है ना एक्सपीरियंस, बहुत है इसका, लेकिन ये लोग इसका तो होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। सो दोस्तों, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है मिर्ची खाने का, तो मैं बहुत ही खाता हूँ मिर्ची, आई लव चिली। तो आप पैसा देख रहे हैं? पैसा नहीं है, खाली हो गया मेरा, आइसक्रीम खाना है, और यूट्यूब का पैसा है ना सब खत्म हो चुका है मेरा। ये बनाएगा, ये कहाँ का स्टाइल बना रहा था चिकन? जरखान स्टाइल ना, ना और स्टाइल जो भी सोच लो। हाँ ये बात बताओ, तेरा पूर्वज कहाँ का है? झारखंड का है। का ओ, तो झारखंड वाला बहुत ही देखते हैं वीडियो से, तो आज मैं खाऊंगा झारखंड का स्टाइल में। लेकिन ये भाई साहब बचपन से यहाँ पर है और इसमें सेटल हो गया झारखंड से आके ना। तो गाइस आज मैं खाऊंगा झारखंड स्टाइल चिकन, तो ये भाई साहब ने क्या किया यहाँ पर लोकल लड़के पटाखे इसमें सेटल होने वाले हैं, तो गर्लफ्रेंड तो लेके आया, खाल बहा के लेके आया, शाम को देख लेना रिसेंट वीडियो में, तो बाइक से बहा के लेके आया, डायरेक्ट हमारे घर पे आ गया। लेकिन इधर में कोई पकड़ता नहीं है, फाइन वाइन कुछ भी नहीं है, अगर बाहर में होता खूब दुले खाता ये बंदा, लड़की बहा के लेके आया करके, यहाँ पर कुछ नहीं करता ना, अपना मर्जी। इधर बहुत ही डला ये बोलता है झारखंड स्टाइल खिलाएगा मुझे चिकन, मिर्ची तो हमारे यहाँ का स्टाइल मिर्ची डला ना, और चिकन बन रहा झारखंड स्टाइल ना, झारखंड स्टाइल चिकन कहूंगा गाइस। वाओ, तो गाइस पानी चिकन कुकिंग हो चुका है बिल्कुल झारखंड स्टाइल, तो मिर्ची बहुत डला, तो इसे लगता है कि हमारे यहाँ का स्टाइल। सो ये झारखंड स्टाइल वाला चिकन देखने के बाद मुंह से पानी आ रहा है, लेकिन बहुत सी इसमें कमी है, और टमाटर भी नहीं है, तो टमाटर इतना महंगा है, तो टमाटर लेता है तो और समझदार होता, तो इतना टेस्टिंग करते हैं। वाह बढ़िया हुआ झारखंडी स्टाइल चिकन, वाह बहुत मस्त हुआ। इसमें चिकन और यहाँ पर है बॉयल वाला, थोड़ा मिक्स वेज है, लोकल वेज है चिकन। सो गाइस इसमें आ चुका है चिकन, और ये है लौकी, नहीं तो मिक्सर वाला है, मिर्चिंग का पत्ता के साथ, तो इसमें आ चुका है झारखंड स्टाइल वाला चिकन, तो अब इसको खाते हैं चिकन। वाह, तो झारखंड का बंदा ने बनाया, हमारे घर पे आया, अभी हमारे घर पे कुछ नहीं रहेगा, हम झारखंड का आदमी। बढ़िया तो है, मस्त। स्वाद काफी अच्छा है, सोच खाऊंगा, खड़ा से जाऊंगा लेने के लिए। बहुत मिर्ची हुआ,
सच में यार झारखंड स्टाइल बहुत ही हैंडसम स्वाद। लेकिन बहुत ज़रा मसाला हमारे यहाँ पर मसाला बहुत ही कम खाते हैं। तो मैं आज इसको लेकर जाऊंगा मेरा ससुरबारी। जाओगे? जाएंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं ससुरबारी। तो खाना खाने सो जरकान स्टाइल चिकन खाने के बाद बहुत ही सोया। तो आज तो दिन भर लाइट सोने के लिए बहुत ही मजा आया। तो अभी चलते हैं ससुरबारी। सो फाइनली पहुंच गए हैं ससुरबारी। तो ये चावल उतारिये, साली काफी ताकतवर है। तो चावल वहां पर रख दिया। कहां गया साले साहब? तो ये तो साले साहब का दोस्त है बबन राजभर। और इसमें हम लोग लेके आए हैं ग्रीन वेजिटेबल खीरा। सो मेरे साले साहब तो नहीं है, अभी पता नहीं कहाँ गया घूमने के लिए। तो ये तो साले साहब का दोस्त है, तो साले साहब के लिए आया है। सो दोस्तों फाइनली हम लोग इसी में आ चुके हैं। तो गैस वो उसी को चाहिए कि स्नेल खाने को मांगता बोलता उन दोनों को। तो वो लोग झींगा खाने खाएगा, झींगा तो उस तरफ ज्यादा मिलेगा। तो वो लोग को आस नहीं खिलाएंगे, स्नेल काली खिलाएंगे। तो आस बस इसे कोस के भिगा के रखेंगे, कल भैंसम करके बना के खिलाएंगे इन लोगों को। अरे भाई तो संभाल कर जाना पड़ेगा भाई, मेहमान है ना गायस, वो लोग को देखभाल करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बदनाम करेंगे। सो दोस्तों मैं इसको भी स्नेल खाना सिखा दूंगा ये ना। हाँ तो आगे पे मिल गया स्नेल, इस नल पे नहीं है तो इस तरफ होगा। और मैं इस तरफ खोजूंगा स्नेल, वो लोग चला गया उस तरफ, मैं पीछे रह गया क्योंकि वो लोग हाथ पे मोबाइल है, बोलता है कि ये गहरा होगा वो मोबाइल बिक जाएंगे। तो इतना गहरा नहीं है, नए नए आदमी ना शायद मिट्टी को दर्द होगा। यहाँ पर भी है मछली, हैंडसम मछली। तो मैं इसी तरह मजा करता हूँ, मैं बहुत सारे मछली से मैं मजाक किया हूँ, जस उसे भाग गया। वो लोग तो वहाँ पर खोज रहे हैं स्नेल। तो गायस स्नेल खोजते खोजते तो रात हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्नेल आजकल पूरा खत्म हो चुके हैं सबके सब। तो यहाँ से किसी ने उठा के ले गए हैं। धीरे धीरे करके रात हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत झींगा मिला और स्नेल मिले हैं। बस हम ही लोग के लिए ठीक ठाक है, एक ही बार फिनिश कर देंगे सबके सब। अरे गद्दे के अंदर भी मछली है साला, बोल रहे किधर किधर जाओ। अरे वहाँ से देख रहा है, वहाँ से देख रहा है। अरे कौन पकड़ रहा है इसको? अंदर पे है, क्या करेगा, गद्दा में है। पकड़ 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 ना ना साला, बोल देना तोर ना। भाग गया, भाग गया, भाग गया, पकड़ नहीं पाया। सो दोस्तों काफी मिल चुके हैं स्नेल और वो झींगा। तो झींगा तो आज खाएंगे, स्नेल खाल खाएंगे। और रात बहुत हो चुके हैं, चलना पड़ रहा है अभी। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर है, पत्थर का बीच में सांप भी रहते हैं, संभाल के जाना पड़ते हैं। बढ़िया फिनिश कर देंगे, वो भी झारखंड स्टाइल में फिनिश कर देंगे ना, झारखंड स्टाइल से ना। हाँ स्टाइल से, झारखंड स्टाइल। हाँ इधर उधर जंगल की तरह जा रहा है तो भूल गया था। वाह चलो 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 चलो। ए कलू कलू, तो घर पे तो पहुंच गया अभी, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद झींगा को कुकिंग करके खाएंगे, फेरा करके खाएंगे। कलू तुझे भी चाहिए, ए कलू तुझे भी चाहिए झींगा। सो यहाँ पर इतना मिल चुका है झींगा, तो इसको बढ़िया से हैंडसम करेंगे, उसके बाद फेरा करके खाएंगे। तो यही तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्नेल, तो इसको फिनिश करेंगे। झारखंड स्टाइल बनेंगे ना, झारखंड स्टाइल। इसको भिगा के रखेगा और गंदा पूरा निकल जाएगा। हैंडसम हैंडसम स्नेल गाइस, हैंडसम हैंडसम स्नेल। सो यहाँ पर झींगा कुकिंग हो चुके हैं, और यहाँ पर खीरा की सब्जी, और यहाँ पर बिंदु जीरा पीस, और यहाँ पर अर्सुल लिप्स आइए, और यहाँ पर बच्चों लोग खेल रहा है लूडो। तो अभी सब के सब खा रहे हैं
डिनर हुआ। ए तेरे पास कपड़ा नहीं है क्या? ऐसे रहते वो और खाते हैं, ये बहुत खाता है रसल से। और ये झींगा अभी हमने पकड़ के लेके आया एक घंटा पहले, बहुत ही बढ़िया है, हैंडसम है इसका स्वाद। तो दोस्तों फाइनली काफी खेते कंप्लीट हो चुके हैं और स्नेल तो आज नहीं खाएंगे, खाल खाएंगे सुबह से कुकिंग करेंगे। अब भी मुझे मरना पड़ेगा धावाई, वो बहुत ही आ रहा है वो खुजली वाला खीरा, तो वो बोला थोड़ा शरीर में लगने से बहुत ही खुजली करते हैं, तो आजू बाजू में रहने से बहुत ही खुजली करता है क्योंकि वो वाला बाल बहुत ही खुजली करते हैं, इसलिए उसको भगाने के लिए मारना पड़ेगा। इसमें मार देंगे खुजली वाला धवाई का खीरा को फिनिश कर देंगे, मतलब भगा देंगे यहाँ से मार मार के। सो दोस्तों अभी नहाते हैं उसके बाद सोएंगे बिंदास करके, और दवाई तो मार दिए हैं, वो रॉकेट होता है ना, रॉकेट बोलता है, वो किराते भी मार सकते हैं, रॉकेट भी मार सकते हैं इससे कीड़ा मकोड़ा को भगाने के लिए। लेकिन वो बोला ना थोड़ा सा लगने से हो गया, उसका बाल बहुत पूरा जहर की तरह इतना खुजली करता है, इतना खुजली करता है पूरा, मम्मी नानी याद आ जाती इतना खुजली करता है वो वाला इचिंग वाला इंसेक्ट, बहुत डेंजर होते हैं। सो दोस्तों फाइनली तो नहा चुका हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप नहीं नहाते क्या, तो मैं तो हमेशा नहाता हूँ, शाम को नहाता हूँ और सुबह भी नहाता हूँ, तो ऐसे कुछ कमेंट करते हैं, बस कुछ कमेंट करने वालों को मैं बोल रहा हूँ। सो गाइस आज के वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ, तो बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट, बढ़िया से रहना और बर्फ पेट खाना उसके बाद बिंदास करके सोना, गुड नाइट गाइस सभी को।